हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और सीपीआई ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है और इसके लिए क्या खास शर्तें हैं। वर्तमान में केवल 6 राष्ट्रीय दल बचे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बीएसपी, एनपीपी, आप। बता दें कि 4 अप्रैल 2023 से पहले भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां थीं, जबकि राज्य स्तरीय दलों की संख्या 35 और क्षेत्रीय दलों की संख्या तकरीबन 350 थी। ऐसे में चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए क्या खास शर्तों को पूरा करना पड़ता है, किन मापदंडों पर उतरना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय घोषित करने की क्या शर्तें हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर यानी कि जो भी चुनाव में उनका रिजल्ट रहता है उसी के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता देता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में घोषित किया जाता है। ये कुछ शर्तें हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूरी करनी पड़ती हैं, जिसके बाद ही उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, जिसको अब आम आदमी पार्टी ने पूरा कर लिया है। इसीलिए 10 अप्रैल 2023 को उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के मुताबिक पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ राज्य दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा, कब माना जाएगा वो आगे देख लिए, यदि वो 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता हो। 4 राज्यों में उसे या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता अगर प्राप्त करता है तभी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करें या कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% यानी कि 11 सीटें जीती हो। इन्हीं मापदंडों को पूरा करने पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी कैसे नेशनल पार्टी बन गई है, तो देख लीजिए कि आपने दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में राज्य पार्टी का दर्जा पाने में कामयाब रही, इसीलिए एक राष्ट्रीय पार्टी की होने के योग्य है और 10 अप्रैल 2023 को इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अब ये जान लेते हैं हम कि आखिर जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है तो जो ममता बनर्जी की टीएमसी है, शरद पवार की एनसीपी है और सीपीआई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनसे वापस टैग ले लिया गया है, यानी कि इन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया। तो इनके साथ क्या कुछ हुआ ये देख लेते हैं। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का टैग दिया गया था, यानी कि टीएमसी को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का टैग मिला था, लेकिन गोवा और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में इसके खराब प्रदर्शन की वजह से इसके टैग को वापस लेना पड़ा, यानी कि इससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया। अरुणाचल प्रदेश से पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक राज्य पार्टी के मानदंडों को पूरा नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, शरद पवार ने एनसीपी का गठन 1999 में किया था, 2000 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था, लेकिन गोवा, मणिपुर, मेघालय में खराब प्रदर्शन के कारण इससे भी यह टैग छीन लिया गया। सीपीआई की स्थापना, यह स्थापना है, सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी, 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली थी, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उससे भी ये टैग वापस ले लिया गया। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा लिया है तो उसको क्या सुविधाएं मिलेंगी, या किसी भी जो राष्ट्रीय पार्टी है पहले से बीजेपी, कांग्रेस, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो इसलिए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी को सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है, कोई एक खास चुनाव चिन्ह। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। और क्या क्या सुविधाएं, दूसरा ये देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों के नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है।
बहुत ही सुविधाएं मिलती हैं। इन दलों को अपने पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि भवन प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर ये अपना ऑफिस कहीं बनाना चाहते हैं तो इनको जो जमीन दी जाती है, इनको जो ऑफिस दिया जाता है वो सरकार की तरफ से आवंटित होता है। आगे देखते हैं, राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारक तक रख सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियां 20 स्टार प्रचारकों को रख सकती हैं। जब इलेक्शन आता है तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, तो वो इन्हीं की तरफ से इनको सुविधा मिलती है, जिसके बाद से ये अपने 40 स्टार प्रचारक रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुके होते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला होता है वो सिर्फ 20 स्टार प्रचारक ही रख सकते हैं। स्टार प्रचारकों की यात्रा का खर्चा उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता है। चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारित करने की अनुमति देना, ताकि वो अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। देखा होगा आपने कि जब इलेक्शन आते हैं तब जो चुनावी पार्टियां होती हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और ऐसे टीवी पे उनके प्रोग्राम्स आते हैं, वो अपना भाषण देते हैं, कहीं जनसभा करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसी जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उसी का वो फायदा उठाते हैं। दूसरा है, चुनाव आयोग ने 22 अगस्त 2016 को एक नियम में संशोधन किया था। क्या संशोधन किया था, चलिए वो भी जान लेते हैं। संशोधन के मुताबिक जिसके तहत IB5 के बजाय हर 10 साल में राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, यानी कि 2016 तक जो राष्ट्रीय दल का पार्टी का दर्जा पा चुके हैं वो 2026 तक इसे बनाए रख सकेंगे, हालांकि नई पार्टियां इसमें जोड़ी नहीं जा सकेंगी। तो एक तरीके से ये कई सालों के लिए लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी का एक बार दर्जा पा लेते हैं तो फिर ये 10 साल तक टेंशन फ्री रहते हैं कि चलो अब तो 10 साल तक हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसके बाद से देखते हैं कि क्या कुछ होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इसमें छूट गया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कॉमेंट करके वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप एग्जाम की करंट की तैयारी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.pdgroup.in। नजदीकी बुक स्टोर से आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन घर बैठे मैगजीन को मंगा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम करंट अफेयर्स न्यूज के लिए और करंट के डे बाई डे टॉपिक्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।